नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर बात कर रहे हैं प्रोबायोटिक की, यानी कबूतरों को बीमारी से बचाने का एक टॉनिक, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, और ख़ास तौर पर ये अमेरिकन गार्डन। मैं इसको बहुत बेस्ट मानता हूँ। सबकी इसके बारे में अलग अलग राय हो सकती है, बट मैं आपको सही बताऊँ, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सप्लीमेंट का रिजल्ट आपको 1 या 2 महीने में नहीं, मिनिमम 6 मंथ में मिलता है। 6 मंथ्स अगर आप इसे पर वीकली इसे यूज़ करते हो, 5 ml 1 लीटर वाटर में, या 5 ml आप 50 बर्ड्स के लिए भी मान के दे सकते हो, और हफ्ते में 1 दिन यूज़ कर रहे हो और 6 मंथ लगातार यूज़ करते हो, मतलब आपका जो बर्ड्स 6 महीने लगातार पी रहा है इसको, वो जल्दी बीमारी में नहीं आएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। गर्मियों सर्दियों में चलो ठीक है, थोड़ा सा इसमें मैंने देखा कि बर्ड थोड़ा स्मेली, मतलब पॉटी करते हैं, बट बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। हर कोई इसके बारे में जानता है, कुछ जानता भी है तो भी यूज़ नहीं करता, कुछ यूज़ करके 1-2 महीने बाद छोड़ देता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो भाइयों, रिजल्ट 1 महीने में नहीं मिलता, इतनी जल्दी में मत रहिए किसी भी चीज़ को यूज़ करने में, 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सप्लीमेंट है, प्रोबायोटिक है, ये आपके कबूतर को स्ट्रॉन्ग करेगा, अंदर से उसका वेट मेंटेन करेगा, उसका डाइजेस्टर सिस्टम बढ़िया करेगा, यानी खाना पचाने की ताकत तक भी बढ़ाता है, ये वेट को मेंटेन करता है और अंदर स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो टाइम दीजिए, यूज़ कीजिए, और आपके साथ मैं एक, ये बेसिकली लकवे की बीमारी से बचाता है, और सबसे ज़्यादा ये जो दाने हो जाते हैं उससे बहुत बचाता है। अगर आपके खुडे में, लॉफ्ट में दाने की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो मेरे भाइयों 1-5 ml ये तो डाल ही रहे हो, तो 1 चम्मच शहद भी डालो। अगर आपको लगता है आपके खुडे में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हफ्ते में 2 बार दो, ब्रीडिंग वालों को, सभी को नहीं, ब्रीडिंग वालों को। अगर आपके दाने वगैरह फुंसी ज़्यादा होती है, कैंकर ज़्यादा होता है, मुँह के अंदर दाने ज़्यादा होते हैं, पीला पीला सा, वाइट वाइट सा होता है, कबूतर का मुँह सूज जाता है, दाना नहीं खाता, तो मैं आपको फिर एडवाइस करूँगा इसको वीकली 2 टाइम ब्रीडिंग के टाइम यानी बच्चे पलने के टाइम विद हनी यानी शहद के साथ, हफ्ते में 2 बार 1 चम्मच या शहद डाल दीजिए। कि शहद 1 चम्मच बहुत बढ़िया होता है, वरना शहद तो आप आगे पीछे भी दे सकते हो, और उड़ानों में शहद कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा, उड़ानों में गर्मी निकालने में। लेकिन ये आपके दानों को सही करने में एप्पल साइडर विनेगर और शहद दोनों बहुत कामयाब है। दूसरा, आप इनसे, इस विनेगर से बर्तन साफ़ करने के, यानी जो कबूतर के बर्तन हैं उसे भी साफ़ कीजिए। जब आप अपना खुड्डा लॉफ साफ करते हैं तो थोड़ा बहुत इसे भी छिड़का कीजिए, क्योंकि ये सिरका है, कीटनाशक टाइप, मतलब इसकी स्मेल जो है कीड़ों को पसंद नहीं होती, तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और 1 बोतल खोलने के बाद इसको कोशिश कीजिए करिए कि विद इन 2 से 3 महीने में फिनिश कर दो आप, है ना। और अगर आपके पास बर्ड थोड़े या बहुत थोड़ा यूज़ होता है, तो आप इसको फ्रिज में रखो। सेकेंडली, आप कोशिश करो कि 2-3 जने मिलके, जो भी प्रोडक्ट लेते हो ना, 2-3 जने मिलके लिया करो। वैसे तो ये मार्केट में ज़्यादा सस्ता नहीं मिलता, जैसे मैं आपको पीछे कुछ चीज़ें बताई है, आपको खास तौर पर मैंने ORS बताया है ना, और पावर जेल भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट में, और अभी आप, मैंने आपको एक मल्टीविटामिन बताया था, ये मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी लेने पे 50% तक डिस्काउंट है, पर विनेगर में इतना नहीं है। पर फिर भी कोशिश कीजिए कि आप अपना डेयरी मेंटेन कीजिए, आपको कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आप 3 दोस्तों 4 दोस्तों 2 दोस्तों तो मिलके वो संभाल लीजिए, उससे पैसे कम पड़ जाते हैं। और भाइयों, इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत आप सब भाइयों का।